नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज़। तो दोस्तों, वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। कल रात से पूछताछ नहीं हुई तो गिरफ्तार क्यों किया गया? चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ऐसा कहना है पी चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें सीबीआई की कोर्ट में पेश भी किया गया है। नीतीश कुमार का छलका दर्द, कहा बैंक राज्य सरकार की सुनते ही नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की बात बैंक सुनते नहीं है। हालांकि सीएम ने ये भी कहा कि उन्हें बैंकों पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के मुद्दे की चर्चा भी की। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी वहां मौजूद थे। जब गृह मंत्री थे पी चिदंबरम तब गिरफ्तार हुए थे अमित शाह, और आज शाह हैं गृह मंत्री तो गिरफ्तार हो गए हैं पी चिदंबरम। पी चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में कुल 305 करोड़ के घोटाले और विदेशी निवेश के लिए गलत तरीके से मंजूरी दिलाने और बदले में 4 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। 2007 में यूपीए 1 की मनमोहन सरकार में पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे और ये मामला उसी वक्त का है। खाड़ी मुल्कों के सबसे पुराने कृष्ण मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 26 अगस्त के बीच फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन के निमंत्रण पर मोदी बियारेट्ज शहर में 24 से 26 अगस्त को होने वाले 50वें G7 समिट में साझेदार के तौर पर शामिल होंगे। करप्शन के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार, 312 भ्रष्ट अफसरों को किया जा चुका है अब तक जबरन रिटायर। मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाकर ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को डेनमार्क के बराबर लाना चाहते हैं। अभी भारत की रैंकिंग 78वें पायदान पर है और ये मुमकिन होगा जब भ्रष्ट लोगों को एक्शन का डर हो जाएगा तब। जारी है पाकिस्तान की बौखलाहट, पीएम मोदी की राह में रोड़े अटकाने के लिए इमरान खान ने किया ये काम। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अनाप शनाप कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान वहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है। खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विदेश में रहने वाले समर्थकों से कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठाने में मदद करें। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कश्मीर के मुद्दे को सभी वैश्विक मंचों पर उठाने का निर्णय किया है। कश्मीर पर अब ईरान के शीर्ष नेता खमैनी का आया बयान, हमें मुस्लिमों की चिंता, भारत से है हमें उम्मीद। खमैनी का बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के बाद आया है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से टकराव का मुद्दा रहे कश्मीर की विस्फोटक स्थिति पर एक बार फिर से मध्यस्थता की पेशकश की है।